also download at the 24/7 app. Good morning, everyone. So very good morning, and everyone is welcome to the daily current affairs class on अड्डा डिफेंस यूट्यूब चैनल. तो आप लोगों का स्वागत है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे MCQs के बारे में डेली करंट अफेयर्स. पहले मोटिवेशन ये है कि डिसिप्लिन, लेट डिसिप्लिन टेक इट्स प्लेस. इसका मतलब है कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है, मोटिवेटेड रहना है. हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एनर्जी द ओनली टू कॉम्पोनेंट यू नीड टू क्लियर एनी एग्जाम. दो चीज जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो है हार्ड वर्क और पॉजिटिव एनर्जी. पॉजिटिव जितना आप रहेंगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगी. यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो उल्टा चलता है. नेगेटिव चीजें जो हैं वो नेगेटिव लोग नेगेटिव चीजें चीजों को अट्रैक्ट करती है, और पॉजिटिव लोग पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं. सो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव and work hard, be disciplined and let discipline take its place. This is the motivation quote for today, and let's start with daily current affairs. आज बहुत सारे current affairs हम लोगों को clear करने हैं. तो आप लोग जो है class को like करेंगे और share भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. सुबह में everyone is not very active. What is the reason? Current affairs को आप लोग seriously नहीं लेते हैं. Current affairs में आप लोग एकदम active नहीं रहते हैं. करंट अफेयर्स को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, बाकी पढ़ाई के साथ साथ करंट अफेयर्स भी बहुत जरूरी है. और यहाँ पे आपको हर एग्जाम के लिए ऑल एग्जाम वन प्लेटफॉर्म, सारे एग्जाम्स में डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे. दिस सेशन, ये सेशन जो है इट इज़ नॉट ओनली फॉर डिफेंस या इंजीनियरिंग या टीचर्स. दिस सेशन इज फॉर एवरी वन. ठीक है, तो सबके लिए ये क्लास है, और आप लोग इसका यूज करें प्रॉपरली बाय फ्री में वॉचिंग इट. और कुछ नहीं करना है, फ्री में बस देखना है. तो ठीक है, वी विल स्टार्ट द सेशन. बात ये है कि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय. ये एक ट्रॉपिकल को हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं. तूफान है, तूफान के बारे में बात करें, जिसका नाम है कॉम्पासु. क्या नाम है? कॉम्पासु. तो ये कॉम्पासु के चपेट में कौन सा देश आ रहा है? सोनू यादव और दीक्षित का आंसर मुझे मिल रहा है. सोनू यादव और दीक्षित बोल रहे हैं मैम फिलीपींस होगा, और आप देख सकते हैं फिलीपींस का ये मैप भी है. फिलीपींस का मैप है और आंसर भी फिलीपींस है. तो फिलीपींस में कॉम्पासु एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है. ट्रॉपिकल आप समझ रहे हैं, जैसे कि ये हो गया इक्वेटर, ये इंडिया है ना, तो यहाँ से ये इक्वेटर आ गया. तो ये हो गया आपका ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जैसे ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया. तो इक्वेटर जो कि 0 degree पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degree साउथ, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree नॉर्थ. तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, दिस होल एरिया इज नोन एज ट्रॉपिकल एरिया. ठीक है, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म तूफान आया है कॉम्पासु, जिसने फिलीपींस को हिट किया है. 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, और लैंडस्लाइड हो गया है, फ्लैश फ्लड हो गया है. फ्लैश फ्लड मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पूरा एकदम पानी जो है, जैसे नहीं बादल फट जाता है यहाँ पे, वैसे ही लैंडस्लाइड यानी कि बहुत सारा धरती जो है वो एकदम हिल गया है. इसके नॉर्दर्न, इट क्रॉस द नॉर्दर्न टिप्स ऑफ एशिया पैसिफिक आइलैंड. तो ये जो एशियन पैसिफिक है, क्यों हम लोग इसको एशियन पैसिफिक कह रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट हो गया एशिया, और ये ओशन कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर. ठीक है, पैसिफिक ओशन. तो इसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक का आइलैंड, कॉम्पासु. क्लियर हो गया आप लोग को? चलिए, तो ये है आपका फिलीपींस का मैप. फिलीपींस का आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो बच्चों को पता है वो प्लीज फिलीपींस का मुझे बताएं कैपिटल. और इसी के साथ साथ आपको पता है फिलीपींस जो है वो एशियान कंट्री का मेंबर है, राइट? एशियान कंट्री का मेंबर है, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है. इसी तरह के 10 देश जो है
जो एशिया पैसिफिक में आते हैं, जैसे कि सिंगापुर हो गया, लॉस, वियतनाम, ये सब देश जो है वो एशियन कंट्री में आते हैं। एशियन एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है जो कि इस 10 कंट्री के अंदर ट्रेड को बहुत प्रमोट किया है। क्लियर है? गुड मॉर्निंग। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम वाला अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको, ठीक है? तो ये बताएंगे आप लोग कि एक्टर विलियम स्टेनर, ठीक है, ये जो स्टेनर है, एक्टर विलियम स्टेनर, इंटरनेशनल राइस पार्क, हाँ बिल्कुल, फिलीपींस में क्या कर रहे हैं, राइस में, एक चीज और, राइस को गोल्डन राइस बना रहे हैं, क्योंकि वहां के बच्चे जो हैं उनको नाइट ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, विटामिन ए का कमी है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात अंधी हो जाता है, तो उसमें विटामिन ए मिलाने के लिए चावल को गोल्डन राइस बना देंगे। अब बात है कि एक्टर विलियम स्टेनर ये ओल्डेस्ट पर्सन हो गए हैं स्पेस में जाने वाले, जो कि रॉकेट शिप से जाएंगे स्पेस में। तो आपको बताना है, जो रॉकेट शिप जिससे ये स्पेस में जाएंगे, सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति जो कि एक अभिनेता है, इनका नाम है विलियम स्टैनर्ड, जो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं, वो किस कंपनी के जहाज से जाएंगे स्पेस में, ये आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ब्लू ऑरिजन बता रहे हैं, ये भी बता रहे कि रशिया के हैं। तो हाँ, कल ही मैंने बताया था कि रशिया का जो एक पूरा टीम है वो हिमालय पे मूवी नहीं बनाएगा, ना ही प्रशांत महासागर में मूवी बनाएगा, वो सीधे स्पेस में जाके मूवी बनाएगा, अंतरिक्ष में। तो इसी इनको भी ले लिया गया है, क्योंकि ये जो है वो एक्टर है। तो कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, विलियम स्टेनर ये एक्टर है, ठीक है, सिनेमा में काम करते हैं। ब्लू ओरिजिन जो है कंपनी का नाम है, ये रॉकेट शिप बनाता है कंपनी, क्लियर, और ये लैंड करेगा टेक्सास, मतलब ये जाएगा मूवी बनाएगा और वापस आ जाएगा टेक्सास। टेक्सास जो है वो अमेरिका का एक स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश इंडिया का स्टेट है, वैसे ही टेक्सास जो है वो अमेरिका का स्टेट है। तो यहाँ जाए आ जाएगा वापस, यहाँ पे डेजर्ट है, बहुत सारा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा वापस। और ये जो विलियम स्टेनर है ये 90 साल के व्यक्ति हैं, और ये ब्लू ओरिजिन जो है वो किसका कंपनी है, तो ये जेफ बेजोस का कंपनी है। जेफ बेजोस कंपनी कैरिड आउट इट्स सेकेंड टूरिस्ट फ्लाइट, मतलब ये लोग अब टूरिज्म कर रहे हैं स्पेस में, ठीक है, बड़ा बात है। अभी तो हम लोग तो नहीं सोच सकते हैं फिलहाल, लेकिन जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। चलिए, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल वॉज इनॉग्रेटेड एट नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, ठीक है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी लोकेटेड इन विच सिटी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है। तो ये था आपका होमवर्क का सवाल। हाँ बिल्कुल, मूवी के जो एक्टर है वो टॉम क्रूज है, मैंने कल भी बताया था, टॉम क्रूज इज द एक्टर ऑफ द सिनेमा, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सी जगह में है, ये है आपका विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो प्रधान, मतलब राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रधानमंत्री में बोल रही थी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इनका प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन हुआ है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीआरडीओ का है ये विंग, डीआरडीओ ने बहुत सारा विंग है इस तरह से। तो ये है विशाखापट्टनम में। ये आजादी का जो अमृत महोत्सव अभी चल रहा है, ये 2021 में आजादी का, 22 तक हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव, 75 साल अपने आजादी का मना रहे हैं। तो ये 90 साल इनका हो गया बर्थ एनिवर्सरी, और भारत रत्न भी इनको मिला था, इसी के लिए मनाया गया है। और नॉर्थ ईस्ट में एक कॉलेज में स्पीच देने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो अगर आप लोग उस कॉलेज का नाम बता देंगे, आईआईएम है, कौन सा आईआईएम है वो आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब है वर्ल्ड साइट डे, ठीक है, ये जो आंख है इसको बचा के रखना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, वरना ये जो दृष्टि, लोग आजकल बहुत छोटे छोटे माइनर इश्यूज के कारण दृष्टिहीन हो जा रहे हैं,
तो आंख को बचा के चलना है। दृष्टि दिवस मना रहे हम लोग। दृष्टि दिवस किस दिन मना रहे हैं और दृष्टि दिवस का जो विषय है यानी कि जो थीम है आपके दृष्टि दिवस का वो क्या है, वो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनका नाम है सोनू यादव, रंजीत, श्वेता, रजीत है, ठीक है, आशीष, ड्रीमर एंड डूअर, वेरी गुड, भुवन, इमाद, कमरान, श्वेता, दीक्षित, वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे जो हैं आंसर दे रहे हैं, सिकंदर, और जिसका नाम मैंने नहीं लिया है वो एक और बार आंसर देंगे तो नाम उनका ले लिया जाएगा। शिलोंग बता रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है आईआईएम शिलोंग में दिए थे, ठीक है, वेरी गुड। अब बताएं कि जो दृष्टि है जिसमें क्या करना है, आंख को बचा के रखना है। वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर आईज। रात रात भर आप लोग नेटफ्लिक्स चलाइए, अमेजोन चलाइए, सुबह उठते ही यूट्यूब शुरू कर दीजिए। ये नहीं कह रही कि सेशन नहीं देखे, सेशन देखिए, लेकिन एकदम सुबह उठते ही 5 बजे नहीं शुरू करना है, आराम से थोड़ा आँख को रिलैक्स देना है। और डस्ट मतलब पोल्यूशन ऐसे तो नाक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है मास्क लगा के, लेकिन आँख को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो आईज शुड बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट बाई गॉड। इसका थीम है लव योर आईज, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, लव योर आईज इसका थीम है। और ये 14 अक्टूबर को इस साल मनाया गया। देखिए हर साल ना अलग अलग दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है अलग अलग दिवस, क्योंकि ये अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को है, थर्सडे, ठीक है, बृहस्पतिवार, गुरुवार जो बोले, थर्सडे, अक्टूबर का जो सेकेंड थर्सडे है, इस बार 14 तारीख को पड़ा था, तो उस दिन ही मनाया जाता है आपका दृष्टि दिवस। क्लियर है गाइज, तो कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये जो सबसे पहले शुरू किया गया था फाउंडेशन इसका 2000 में हुआ था, और 2021 का थीम आप समझ ही गए हैं क्यों, ताकि आप लोगों को इसका अवेयरनेस हो कि आंख को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आंख में तो सेल्फ डॉक्टर मत बन जाइए, जाके एक बार चेकअप करवा लीजिए। ब्लाइंडनेस जो है वो शॉर्ट टर्म ब्लाइंडनेस ये सब भी बहुत आजकल कॉमन हो गया है, तो विजन इम्पेयरमेंट ये सबको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। अब फिर नेक्स्ट चीज है कि आवर फ्यूचर इन एट इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। अब ये थीम है, ठीक है, मैंने इस बार उल्टा क्वेश्चन डाला है। थीम आपको बता दिया गया है कि 15 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है, 14 तो हो गया आपका आंख वाला दिवस इस साल, 15 अक्टूबर हो गया आपका, देखिए ये किस चीज का दिवस है ये आप लोग बताइए। विनोद ठाकुर, वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ सब बच्चे जो है बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे क्लास होता है, 8:13 पे आके आप लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। आर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। देखिए भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़े, ठीक है, तो कहाँ आगे बढ़ना है, 15 अक्टूबर को आगे बढ़ना है। और ये जो है इसका थीम है। अब बात बताइए कि ये जो दिवस है ये कौन सा दिवस है। बहुत सारे जो है यहाँ पे विद्यार्थीगण वो कह रहे हैं कि हाइजीन दिवस है, यानी कि आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अनकॉमन हो गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग और आंसर बताएंगे। और निशांत कुमार आंसर बता रहे हैं, प्रशंजीत आंसर बता रहे हैं, सोफिया, वेरी गुड, तो आप लोग इसी तरह से आंसर बताते रहिए। देखिए इसका जो आंसर है ये है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। सबको एक को पता है कोरोना काल में कि बहुत बार हाथ धोना है, कितने मिनट तक हाथ धोना है, और वो नहीं है कि मछली और ये सब तो अच्छा ऐड हुआ है, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हुआ है, सैनिटाइज। कल यस्टरडे आई वाज रीडिंग अ न्यूज कि वहां पे एक आदमी ने एक दूसरे का मर्डर कर दिया, उसके बाद पूरा एक बॉटल सैनिटाइजर से हाथ धोया है। तो देखिए अवेयरनेस जो है वो बहुत जगह है, जो लोग मर्डर कर रहे हैं वो लोग भी सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आवर फ्यूचर इज एट हैंड यानी भविष्य जो है वो हाथों में है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस मनाया गया है और इसको याद करना बहुत जरूरी है बिकॉज एवरीवन नो कि कोविड के कारण ये सब तरह का न्यूज बहुत कॉमन हो गया है। अक्टूबर 15 को हम लोग इसको मनाए हैं ताकि हाइजीन का इम्पोर्टेंस लोगों में बना रहे, तो वर्ल्ड हाइजीन डे में आप लोग कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ठीक है, क्लियर है।
और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस बार कोविड में ही ये आया है, ये पहले से है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि 2008 में ही पहला वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट हो चुका था 70 नेशन और 120 मिलियन चिल्ड्रेन में। तो पहले ये चिल्ड्रेन में बहुत ज्यादा था, जैसे बच्चे हैं ना, नहीं हाथ धोते हैं खाने के पहले, खेलने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, फिर वही खाते हैं, पेट में कीड़ा हो जाता है, फिर हम लोगों को नेशनल डीवॉर्मिंग डे मनाना पड़ता है। तो ये सबके लिए था, लेकिन अब सबके लिए है। अब आप लोग बताएंगे SAFF, ये फुटबॉल का है, फुटबॉल, ठीक है। तो इंडिया टीम विच विन, इंडिया जीता है, ठीक है, बीट विच टीम, पूछ रहा है कि भारत तो जीत गया, लेकिन भारत ने किसको हराकर 2021 में SAFF चैंपियनशिप जीती है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। आप बताएं आंसर्स, क्या ये श्रीलंका है, नेपाल है, मलेशिया है या जापान है। यस, आप लोग करंट अफेयर्स को थोड़ा सीरियसली लीजिए, ठीक है, ये सारे एग्जाम में काम देगा। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो जब एग्जाम होगा तो उसके एक महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। करंट अफेयर्स इज अ थिंग ऑफ रेगुलरिटी, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रोज रोज पढ़िएगा तो याद होगा। जैसे आज कोई इवेंट हुआ, आज उसके बारे में पढ़े, आज सुने तो याद हो जाएगा कि अच्छा हाँ इसके बारे में पढ़े थे। लेकिन अब जब एग्जाम होगा और उसके एक रात पहले पढ़िएगा कि अच्छा अब जो है 21 अक्टूबर को ये चीज हुआ था, तो कुछ नहीं याद होने वाला है। ये है नेपाल, इंडिया ने, ये देखिए नेपाल का फुटबॉल टीम है, इंडिया ने नेपाल को हरा दिया है, 3-0 से हराया है, SAFF में हराया है, ये नेशनल फुटबॉल स्टेडियम जो कि माले मालदीव्स में है वहां पे हराया गया है। ये है आपका चैंपियनशिप फाइनल टाइटल, क्लियर है गाइस। तो ये इंडिया ने 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 में पहले ही जीत चुके हैं, इंडियन मेन नेशनल फुटबॉल टीम, क्लियर है। तो ये है आपका SAFF चैंपियनशिप, इसमें सुनील छेत्री है, सुरेश सिंह, वंगजम है, शहल, अब्दुल समाद, ये सब टॉप स्कोरर हैं। तो ये सब आपको क्यों ध्यान रखना है, देखिए ये अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि कोई भी, जैसे रानी रामपाल बहुत ज्यादा न्यूज में रह चुकी हैं, ये जो है कौन सा खेल खेलती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रानी रामपाल जो है वो हॉकी की कैप्टन है, या फिर गुरजीत कौर क्या खेलती है। तो ये सब जो है अब कॉम, अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली वाला बात नहीं है, अब सब कुछ पूछा जाता है। सुनील छेत्री के बारे में तो पूछा ही जाएगा, कॉमन हो गए हैं, और अभी इनका बहुत ज्यादा न्यूज भी रहा है। फिर देखिए सुरेश सिंह, वंगजम, शहल, अब्दुल समाद, ये सब का ध्यान रखना है इनके नाम का। और ये सब क्या है, गोल स्कोर करते हैं। और सुनील छेत्री क्यों न्यूज में है, क्योंकि देखिए ये 80th इंटरनेशनल में ये जो गोल है टू इक्वल स्कोर हिज, जो मेसी है उनके इक्वल में ये जो है वो स्कोर कर रहे हैं, और सेकेंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इंटरनेशनल फुटबॉल, ये एक्टिव प्लेयर्स में से अभी मेसी और रोनाल्डो के टक्कर में जा चुके हैं सुनील छेत्री। इनका नाम ध्यान रखिएगा, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब नेपाल जो है, नेपाल के बारे में कुछ जानकारी, कैपिटल क्या है, काठमांडू है, ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। और देखिए नेपाली लैंग्वेज जो है ना वो सिर्फ यहाँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नेपाल का, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसमें पढ़ेंगे 8th शेड्यूल, तो आएगा 22 वैसे भाषा जो कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वो जो 22 भाषा जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से एक नेपाली भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन नेपाली को हम लोग अपना लैंग्वेज मानते हैं, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखे हैं। प्रेसिडेंट जो है इनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है, शेर बहादुर देवा इनके प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, अब वो ओली वगैरह मत याद रखिएगा, ये शेर बहादुर देवा इनका नाम है। और नेपाली रुपी जो है ये इसका करेंसी है, और नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है ना, बेटी रोटी का रिश्ता है। तो ये है आपका नेपाल, अंडरस्टूड, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई। नेपाल से हम लोग का कभी कभी लड़ाई हो जाता है, ऐसे हम लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन नेपाल को वी ट्रीट लाइक स्मॉल ब्रदर्स, राइट। तो काली नदी है, काली नदी जो कि उत्तराखंड और नेपाल
के बॉर्डर पे, इंडिया का जो उत्तराखंड का पिथौरा डिस्ट्रिक्ट है उसके और नेपाल के बॉर्डर पे बह दिया। अभी काली नदी का क्या है, ये चैनल बदलती रहती है, जैसे कि आपका कोसी नदी है ना कि कहीं पे भी चली गई, सौड़ो हो गया है वो, तो काली नदी भी बदलती रहती है, नदी का कोई ठीक तो है नहीं। अब नदी को ये लोग बॉर्डर मान लिए हैं, जब नदी जो है वो इंडिया की तरफ अंदर बहती है तो नेपाल बोलता है भाई ये जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये तो हमारा हो गया। तो ये सब चलते रहता है खुटपुट, और चाइना जो है वो थोड़ा नेपाल को चढ़ाते रहता है। खैर अब देखिए, रेड लाइन गाड़ी ऑफ, रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ, बहुत लोग जो है वो लाल बत्ती में भी गाड़ी का इंजन जो है वो चला के रखते हैं। ऐसे तो छोटे छोटे शहर में लाल बत्ती मानते ही नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली मुंबई ये सब बड़े शहर में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाल बत्ती अगर आप क्रॉस किए तो वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा रहेगा, वो ऑटोमेटिकली चलान कट जाएगा, मैसेज आ जाएगा मोबाइल में, फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो ये रेड लाइट जो अगर ऑन हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है रेड लाइट ऑन, तो तुरंत गाड़ी को क्या करना है, ऑफ कर देना है, इंजन ऑन नहीं रखना है, पेट्रोल खर्चा नहीं करना है, ऐसे भी बहुत महंगा हो गया। तो ये कैंपेन कौन सा स्टेट चला रहा है, ऐसे केजरीवाल का यहाँ फोटो लगा है तो आपको पता है कि कौन सा स्टेट चला रहा है। हाँ, पिक में तो केजरीवाल है ही, तो पता चल ही जाएगा। ये है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली का जो सरकार है ये कह रहा है 18 अक्टूबर से शुरू हो गया है ये, किक स्टार्टेड, ये चलाते रहते हैं ऑड इवेंट वगैरह, मतलब IITian है, IRS है, तो काफी इनोवेटिव दिमाग है इनका, कुछ ना कुछ चलते रहता है। ये है रेड लाइट गाड़ी ऑन नहीं करना है, गाड़ी ऑफ करना है, रेड लाइट ऑन होगा तो गाड़ी ऑफ करना है। ये रेड लाइट ग्रीन लाइट वो स्क्विड गेम वाला नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे अभी स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पे, जिनके पास नेटफ्लिक्स नहीं वो टेलीग्राम से इलीगल डाउनलोड करके भी देख रहे हैं, आई नो दैट। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये नेशनल कैपिटल में पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है, और 2020 में भी था, अभी 21 में ये शुरू कर दिया गया है और ये एक महीने तक चलेगा। और दिल्ली जो है उसको बहुत ज्यादा ये पीड़ित हो जाता है किस चीज से, दिल्ली में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है कि जो पंजाब हरियाणा वाले जगह है ये इस समय फसल का कटाई करते हैं, तो जो कटाई करके खरीफ फसल का कटाई होगा ना, और जो ऑनसेट ऑफ मानसून में होता है तो अक्टूबर में उसका कटाई होगा और फिर रबी को बोया जाएगा इस समय, तो ये लोग जो है काट के उसको जला देते हैं, स्लैश एंड बर्न कर देते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, उसको काट के जो उसका रेसिड्यू रहता है उसको जला देते हैं। और दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सबसे जो एयर है वो दिल्ली में आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम है इसका। अब देखिए, दिल्ली का कैपिटल कब बना था, 1911 में बना था। इसको देखिए, इसमें हिस्ट्री भी है, लॉर्ड हार्डिंग जो है वो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि दिल्ली में गए थे जब दिल्ली कैपिटल बना था, और लॉर्ड हार्डिंग ही ऐसे गवर्नर जनरल है जिनके ऑफिस में घुसने के पहले ही उनको बहुत बुरी तरीके से बम फोड़ दिया गया था उनपे, बटुकेश्वर दत्त भी उसमें इन्वॉल्व थे और वो बहुत इंजर्ड हो गए। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, इसको यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया और नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में बनाया गया। ये जो NCT आप लोग सुनते हैं ये 1992 फर्स्ट फरवरी को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। न्यू दिल्ली कैपिटल है क्योंकि दिल्ली अपने में क्या है, यूनियन टेरिटरी है। हाँ, गोपाल राय, हाँ ट्रैफिक, गोपाल राय जो है वो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल है इसके CM, डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया। इंपॉर्टेंट नदी जो है ऐसा थोड़ा सा गंगा, यमुना मेनली है, हिंडन जो है वो सहायक नदी है यमुना की, शहबी नदी, ये सब छोटी छोटी नदी है, इसको ध्यान नहीं रखना, यमुना और बेसिकली हिंडन ध्यान रखेंगे आप लोग। और इंपॉर्टेंट डैम जो है दिल्ली डैम ही इसको बोलते हैं, ऐसे हार्टविक डैम है, इसका भी नाम जल्दी बदल दिया जाएगा जिस दिन लोग को ध्यान आएगा कि अच्छा अंग्रेज के नाम पे है। फिर है फेमस स्टेडियम जैसे कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ये जो है ना इंडिया गेट, इसके जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे ध्यानचंद स्टेडियम है, जस्ट यहीं पे बगल में। तो छत्रसाल स्टेडियम, इंदिरा गांधी एरिना, ये सब है इंपॉर्टेंट स्टेडियम। स्टेडियम का नाम क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बोला जा रहा है कि ओलंपिक्स भी जो है वो खेला जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं खेला जाएगा, ओलंपिक्स खेला जाएगा वो जो मोंटेरा, जो मोदी जी के नाम पे अहमदाबाद में स्टेडियम है वहां पे।
नेशनल पार्क है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, डियर पार्क, ये सब है दिल्ली में। डियर पार्क जो है वो भी एकदम इसी जगह पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास। फिर है आपका एयरपोर्ट जो कि है सफदरजंग एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें बहुत सारा टर्मिनल है। क्लियर है? तो इतना सारा आपका हो गया इंफॉर्मेशन। अब अगला सवाल ये है कि नेशनल एंथम नहीं, एंथम गाया गया है किस चीज के लिए? COVID-19 के टीकाकरण के लिए। दिल्ली में सीएम है, देखिए दिल्ली और पुडुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है ना जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा भी है, और विधानसभा रहेगा तो सीएम तो रहेगा ही। तो इसको ध्यान रखिएगा कि दिल्ली और पुडुचेरी है ऐसा, उसमें है कुछ स्पेशल प्रोविजन है उनका। तो ये दो COVID-19 का टीकाकरण है। देखिए 98 करोड़ लोग को हम लोग अभी तक टीका लगा चुके हैं, 100 करोड़ बहुत जल्दी पार हो जाएगा। तो जितना टारगेट कर रहा है उससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए एंथम गाया गया है। अब आप बताएं कि कौन सा ऐसा सिंगर है, श्रेया घोषाल, एआर रहमान, कैलाश खेर, अरिजीत सिंह, ये कौन से प्लेयर हैं जो नेशनल, इसमें जो नेशनल एंथम वार्डन में बोल रही हूँ, एंथम गाए हैं, गान गाए हैं? देखिए बिल्कुल भी एआर रहमान नहीं है। सब बच्चे जो है एआर रहमान कह रहे हैं, यही गलत फहमी आप लोगों, कैलाश खेर है। ठीक है, वो जो गाना गाए थे सैया, इनका बहुत बड़ा एल्बम हिट था, तो ये कैलाश खेर है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडविया, ये दोनों, ये मनसुख मांडविया क्या है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, अब बदल गए हर्षवर्धन से, अब ये बन गए हैं। 16 अक्टूबर को लॉन्च किए एंथम COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए। और इनको जो ये पद्म पुरस्कार मिल चुका है, कैलाश खेर, इनका टाइटल है भारत का टीकाकरण। आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं, ये गाना ऑडियो विजुअल्स दोनों है, इसको बनाया गया है एंथम, और ये गाए हैं भारत का टीकाकरण। क्लियर है गाइज? ठीक, क्योंकि कचरे वाली गाड़ी में भी यही, अच्छा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो कैलाश खेर गाए हैं। अच्छा ये मुझे नहीं पता था। विच स्टेट हैज लॉन्च मेरा घर मेरे नाम? ठीक है, अगर किसी का घर है तो पेपर में भी उसका घर जो है वो प्रॉपरली उसके नाम होना चाहिए। ये बहुत दिन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम है प्रॉपर्टी राइट का, ये किस स्टेट का है? ये है पंजाब का। अगर ये क्या बोल रहे हैं अभी नए सीएम कौन बने हैं, चरणजीत सिंह छन्नी, ठीक है, वो हम जो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह वो चले गए, सिद्धू जो है वो अध्यक्ष पद से रिटायर कर, मतलब इस्तीफा दे दिए, तो अब बन गए चरणजीत सिंह छन्नी। बहुत ज्यादा इसमें भी कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कास्ट से है, तो कास्ट पॉलिटिक्स भी हो गया था। तो ये है नया टाइटल जिसका नाम है मेरा घर मेरे नाम। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से समझेंगे कि हाउसेस विद इन द लाल लकीर ऑफ विलेजेस एंड सिटीज, एक लाल लकीर खींचा जाएगा, उसके अंदर जितने भी हाउस है उसका प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट, जो लोग उसमें रह रहे हैं जिनका वो एक घर है, उसका कार्ड पे, प्रॉपर्टी कार्ड पे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, एलिजिबल रेसिडेंस, रूलर, अर्बन, सब जगह पे ये कर लिया जाएगा 2-3 महीने के अंदर टाइम बाउंड पीरियड में। और जो पीपल कार्ड विल सर्व द पर्पस, जैसे कि किसी को लोन लेना है या बैंक से कुछ हेल्प चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी रहेगा उनके नाम पे, तभी ना कोलैटरल रखेंगे। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल रहता है कि मान लीजिए आपको लोन लेना है तो आप कुछ जो रखते हैं, क्या उसको बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड है उसका जो कि मेरे दिमाग से चला गया, तो उसको रखते हैं, वही होता है आपका कोलैटरल। ठीक है, बस अब ये देखिए प्रिपरेशन उत्सव 77% का ऑफ है सारे प्रोडक्ट्स पे, चाहे आप टेस्ट लें, कोर्स लें, लाइव कोर्सेज लें, वीडियो कोर्सेज लें। टेस्ट, माई पर्सनल सजेशन इज कि आप लोग जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं रोज़ कहती हूँ स्टूडेंट से कि टेस्ट आप लोग जितना बनाएंगे ना, जितना ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपको मतलब मन लगने लगेगा MCQ बनाने में कि ठीक है मुझे इसका आंसर नहीं पता है, ये चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, बैठ के इसका 100 MCQ ही क्यों ना बना लें, तो
पढ़ने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन बना ले। और लेकिन देखिए, क्वेश्चन बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई खेल नहीं है कि स्क्विड गेम नहीं चल रहा है, ए बी सी डी कर दिए वो ग्लास वाला या फिर फाइबर टाइल्स उसके बाद कूद गए। यहाँ पे बात है एनालिसिस का, ठीक है। जैसे हर क्वेश्चन के बाद मैं आपका एक दो मिनट लेती हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है परेशान भी हो जाते हैं कितना डिटेल में क्यों बता रही है, तो डिटेल इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका एनालिसिस ही इम्पोर्टेंट है। टेस्ट का ये थोड़ी आपका कोई काउंट हो रहा है, एग्जाम में अगर वो सवाल आया या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो यू शुड बी एलिजिबल एंड कॉन्फिडेंट इनफ 100% कि नहीं बिल्कुल मेरा आंसर जो है सही है। उसके लिए ये चीज जरूरी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बनाए। अंडरस्टूड? चलिए। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है मैम लाइक एंड शेयर सेशन कर दीजिए गाइस। तो देखिए, आप बोलते बोलते ना आई एम टायर्ड, ठीक है, एवरी टाइम आई ब्रिंग सो गुड क्वेश्चंस लेकिन यू डोंट गिव द कदर, तो नाउ आई एम टायर्ड सो आई डोंट टेल एनीवन टू लाइक और शेयर द सेशन। करना है लाइक कर दीजिए, शेयर करना है कर दीजिए, बट आई विल नॉट टेल यू, बट इनडायरेक्टली आई विल टेल यू। सो यू टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, एक नो योर पोस्टमैन ऐप है, पोस्टमैन अ वेरी रेयर सीन, ये फोटो जो है बहुत रेयर हो गया अब, इन चाइल्डहुड वी यूज टू सी पोस्टमैन, अब तो कुछ नहीं दिखता है। तो नो योर पोस्टमैन ऐप, ये पोस्टल डिपार्टमेंट इसको लॉन्च किया है। अब आप बताएं कि कौन से शहर का पोस्टल डिपार्टमेंट इसको लॉन्च किया है। बहुत बच्चे एकदम तुरंत क्विक आंसर आशीष के द्वारा दिया गया है, फिर कमरान भी बता रहे हैं, और इट इज़ वेरी गुड कि आप लोग तुरंत क्विक आंसर बताते हैं। तो ये है मुंबई, ठीक है, मुंबई पोस्टल डिपार्टमेंट, इसने नो योर पोस्टमैन शुरू किया गया है। स्वाति पांडे पोस्ट मास्टर एड्रेसिंग द इवेंट इन मुंबई, स्वाति पांडे पोस्ट मास्टर जनरल है ये, ठीक है। तो ये होंगी, इसमें भी एक यूपीएससी का, इसका भी एक डाक सेवा का अलग से अधिकारी रहता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये बस इतना ही पूछेगा आपसे कि नो योर पोस्टमैन ऐप जो है वो कौन सा शहर है, तो ये मुंबई शहर है। मुंबई शहर को सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स भी कहते हैं, 7 टापुओं का सिटी शहर। इंडियन बॉलीवुड आपको पता है इसको कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया इसमें है, ठीक है। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। सिटी ऑफ ड्रीम्स, स्काई स्कैपर सिटी, स्काई स्कैपर क्या होता है, इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग जो कि लगता है गगन चुंबी है, यानी कि गगन मतलब आसमान तक जा रहा है, इसलिए स्काई स्कैपर सिटी कहते हैं। मैक्सिमम सिटी, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो मैक्सिमम आउटपुट करते हैं, रात भर जगते रहता है, सिटी दैट नेवर स्लीप, शहर जो कभी सोता नहीं है, ये सब इसका नाम है। और नो योर पोस्टमैन जो है ये मुंबई सिटी का है, क्लियर है। चलिए, अब एक अगला सवाल ये है थोड़ा अलग टाइप का, कि श्रीलंकाई लोगों ने भारत से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कितनी क्रेडिट लाइन मांगी है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये क्रेडिट लाइन चाहिए, क्रेडिट लाइन आप समझ रहे हैं कि अभी आप दे दीजिए और बाद में हम आपको चुका देंगे, वही एक क्रेडिट लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट। आप लोग सुने होंगे ये जो नीरव मोदी ये सब जो है, ये पीएनबी में यही सब फ्रॉड करके लाइन ऑफ क्रेडिट करके गए थे। लाइन ऑफ क्रेडिट वो बेसिकली क्या किए थे कि एक बैंक में इनका अकाउंट था और ये बाहर के विदेशी बैंक से लोन ले लिए और बोले कि नहीं, गारंटी जो है वो ये बैंक देगा जिसमें मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे का अकाउंट है, और उससे बहुत ज्यादा पैसे का ये लोन लेके भाग गए। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिए थे पीएनबी का इस बैंक को, तो उसी तरह से ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, लेकिन देश इतना बड़ा फ्रॉड नहीं करेगा। तो ये कितने का लाइन ऑफ क्रेडिट मांगे हैं, ये है 100 मिलियन का नहीं है, 500 मिलियन का है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका जो है उसने 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है फ्रॉम इंडिया ताकि क्रूड ऑयल को खरीद सके, क्योंकि कंट्री में जो है फेसिंग सीवियर फॉरेन एक्सचेंज, कंट्री में क्या प्रॉब्लम चल रहा है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में नहीं जाना चाह रहे हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज का क्या चक्कर है, इंडिया को क्यों फंसा रहे, स्वैप करेंसी क्या है, ये सब समझ जाइए एक सेकेंड में। देखिए, अगर डॉलर में, जैसे कंट्री ए है इंडिया, कंट्री बी है श्रीलंका, अगर ये लोग डॉलर में एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए डॉलर में श्रीलंका लोन ले लिया भारत से, तो कल को, आज ये 1 रुपए में मान लो 70 रुपए में 1 डॉलर है, कल को हो सकता है कि 100 रुपए 1 डॉलर हो जाए, तो उसको चुकाना तो ज्यादा पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो दूसरे करेंसी में बात ही नहीं करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई अपना करेंसी ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ज्यादा हम लोग डेप्ट में नहीं चले जाएं,
इसीलिए ये है आपका स्वैप करेंसी का फॉर्मूला। तो ये बोल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज हम लोग के पास नहीं है, डॉलर जो है हम लोग के पास अपने हाथ में नहीं है, इंडिया के पास बहुत है। तो श्रीलंका ने 500 मिलियन क्रेडिट का लोन लिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है, ताकि वो पेट्रोल और डीजल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। अब भारत से खरीद नहीं रहा है, आप लोग ये मत सोचिए कि भारत से खरीद रहा है, भारत के पास कौन सा है जो खरीदेगा भारत से, भारत से क्या लिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है, खरीदेगा कहीं और से अपना। अब है हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, ये फोटो देख रहे हैं, इसी तरह का फोटो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप लिया है। ये बोल रहा है कि वाटर वेपर है, ठीक है, परसिस्टेंस यानी लगातार वाटर वेपर इन यूरोपा, यूरोपा, अब ये यूरोपा जो है, यही सवाल है कि ये हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है नासा का, बहुत सुंदर सुंदर फोटो खींचता है, अब ये फोटो खींचा है वाटर वेपर का, H2O वाटर, इसका वेपर जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है भारत के लिए, भारत के लिए नहीं पूरे अर्थ के लिए, सॉरी जो यहां से मैं अर्थ पे चली गई थी, तो अर्थ के लिए है ये। यूरोपा जो है ये किस ग्रह का, किस ग्रह का, कौन से प्लैनेट का मून है, मून यानी कि नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हम लोग का मून का नाम मून है, लेकिन इनके मून का नाम कुछ और है, इनके मून का नाम है यूरोपा। तो ये बताएं यूरोपा जो है वो किसका है। हाँ बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज जो है 605 डॉलर मिलियन डॉलर इंडिया का है, मिलियन डॉलर बिलियन में होगा, सोनू आप चेक कर लीजिए। देखिए ये जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर, जुपिटर जो है उसके मून का नाम है, अब ये मत याद रखिएगा एक ही मून है, बहुत सारा मून होगा, यूरोपा है इसका नाम, एक नाम है यूरोपा, जिसका फोटो जो है वो हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी नासा का, इसको खींच लिया इसका फोटो, और यही है इसका, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, नहीं। अब अगला सवाल है, वैसे फोटो से आपको पता चल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर द पार्ट ऑफ अ क्रू अंडर, ये मिशन है इसका, इसका नाम है शेनजोए, ठीक है, शेनजोए इसका मिशन है, शेनजोए मिशन 13। तो पूछ रहे हैं कि इसमें कितने लोग जो है इस मिशन में है। अब शेनजोए मिशन में कुछ लोग स्पेस में जा रहे हैं, तो ये बताएंगे आप लोग कि शेनजोए मिशन जो है उसमें कितने लोग स्पेस में जा रहे हैं। सन इज अ स्टार, देखिए स्टार क्या होता है, जिसके पास अपना लाइट खुद होता है ना, अपना लाइट, बिजली वाला लाइट नहीं, चमक वाला लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसको स्टार कहते हैं, और सन के पास अपना है क्योंकि यहाँ पे फिजन होता है, यानी कि हीलियम जो है टूट के हाइड्रोजन बन जाता है, तो इसीलिए सन इज अ स्टार, क्लियर, यस। तीन है, तीन का फोटो है, अभी चाइनीज स्पेस एजेंसी जो है, इसका नाम है CSA, चाइनीज स्पेस एजेंसी, शेनजोए 13 क्रूड मिशन है, यानी कि इसमें लोग जाएंगे, क्रू जाएगा इसमें, ठीक है। ये कंट्रीज फर्स्ट लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे अब्रॉड, अब्रॉड यानी विदेश में नहीं, अब्रॉड यानी धरती के पार, ये लोग रहेंगे सबसे ज्यादा दिन रहेंगे, तीन लोग हैं इसमें, ठीक है। ये टू स्पेंड 6 मंथ इन स्पेस, 6 महीने तक ये लोग स्पेस में रहेंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे स्पेस में रहने का चाइनीज एस्ट्रोनॉट। अब इनका नाम ये आप लोग देख सकते हैं, मुझे याद करना बिल्कुल ही जरूरत नहीं लगा इसका, कुछ कोई कभी नहीं पूछेगा इनका नाम, ऐसे भी चाइनीज नाम है, लेकिन एक नाम आप याद रखेंगे, वैंग याईपी। वैंग याईपी जो है पहली चाइनीज फीमेल एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में जाएंगी। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये मेल है, ये भी मेल है, ये क्या है, फीमेल है, और इनका नाम क्या है, यांगपिंग इनका नाम है, ठीक है, यापिंग इनका नाम, सॉरी यापिंग, वैंग यापिंग, इनको इनका नाम ध्यान रखेंगे, वैंग यापिंग, ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट है चाइना से जो कि स्पेस में जाएंगी। चाइना में एक डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट, ठीक है, इंडिया में जैसे डेजर्ट है थार डेजर्ट, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, वैसे ही गोबी डेजर्ट है आपका चाइना में, जो कि चाइना मंगोलिया को टच करता है, और यहीं से ये जो है ऊपर नीचे जाएगा, यानी कि लैंड भी करेगा और जाएगा भी यहीं से, क्लियर है। अब अगला सवाल आपका ये है कि एक 7 साल की बच्ची है, देखिए ये फोटो देखिए, ठीक है, तो ये फोटो खींची थी कि एक विमेन जो है वो लैब पे सोई हुई है अपनी माँ के, अब इस फोटो को जो ये खींची, ये 7 साल की बच्ची जिनका नाम है आराध्या अरविंद, इसके लिए इनको चिल्ड्रंस स्पीच इमेज ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है, मतलब कुछ भी हो सकता है, रातों रात समवन इज बिकमिंग सेंसेशन और वी आर स्टिल रीडिंग करंट अफेयर्स। कोई बात नहीं, हम लोग भी गवर्नमेंट जॉब लेके फिर सेंसेशन बन जाएंगे,
पूरे दुनिया में नहीं तो रिश्तेदारों में कम से कम। तो ये है चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन स्पीच इमेज ऑफ द ईयर अवार्ड, ये 7 साल की बच्ची जीती है। तो ये बताइए आप लोग कि ये कहाँ की है, ये जो है बच्ची आराध्या अरविंद, ये है कहाँ की। ऐसे जब मैंने सर्च किया था ये फोटो खोजने में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि जैसे ही टाइप करा जाता है आराध्या अरविंद तो सीधे अमिताभ बच्चन की पोती का फोटो आ जाता है। तो आप लोग प्लीज इस फोटो को खोजने में मेरा बहुत एनर्जी वेस्ट हुआ है, तो आप लोग उसका कदर करें और इसी के लिए एक लाइक कर दें, ये फोटो अच्छा है। अब है ये बैंगलोर की लड़की है ये, ठीक है, बैंगलोर की लड़की है जिसका नाम है आराध्या अरविंद। इनको ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड मिल गया है। इमेज है इनका, ये इमेज ऑफ द ईयर है। देखिए ये हर फोटो टाइटल लैप ऑफ पीस, यानी ये दिखा रही है कि इनकी माँ जो है इनकी ग्रैंड माँ के लैप पे लेटी हुई है, ठीक है। और ये फोटो जो है शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन इन चिल्ड्रेन या बच्चे या एडल्ट में इस तरह का अवार्ड जीतने वाली ये फर्स्ट इंडियन है। और ये मैगी शेनॉन जो है, मैगी शेनॉन ये US की है और इनको इतना प्राइज मिल गया है, ये एडल्ट कैटेगरी में ये जीती है, ठीक है। और ये आराध्या अरविंद, इनको मिला है €1,000 और अरविंद ये जो मैगी शेनॉन है इनको €10,000 मिला एडल्ट कैटेगरी में, ठीक है। तो आप लोग भी फोटो खींच के कहीं कहीं डाल दीजिए, क्या पता फिर नेक्स्ट यू विल बिकम सेंसेशन, है ना। अब बताए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम टू मेल्ट टेम्पल ऑर्नामेंट। अब ये बोल रहे हैं, अब इस पे बहुत विवाद होने वाला है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जितना गहना है मंदिर में, ये सब लगा हुआ है ना, ये सोना चांदी और बहुत सारा जेम स्टोन, तो ये सबको पिघला के ये एक नया योजना शुरू किया गया है। तो आप इतना तो गैस कर ही सकते हैं कि ये साउथ का ही है, क्योंकि साउथ में ही मंदिर में इतना सोना चांदी लगता है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, अमृतसर में है। अच्छा, अमृतसर में जो ये लगा हुआ है गोल्डन टेम्पल पे गोल्ड, वो कौन लगवाया है, उनका नाम है राजा रंजीत सिंह, ठीक है, राजा रंजीत सिंह उनका नाम है। और मैं अभी भी देख सकती हूँ कि सारे बच्चे जो है सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक करना जरूरी है। ये है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के CM है M करुणानिधि स्टालिन, जो कि 13 अक्टूबर को बोले कि ये प्रिलिमिनरी वर्क करेंगे 24 कैरेट गोल्ड बार मेल्ट इनटू 24 कैरेट गोल्ड, जितना भी निकलेगा उसमें से ये सब इसको 24 कैरेट गोल्ड बार में, जो लड़कियां हैं उनको पता है कि 24 कैरेट जो है वो प्योरेस्ट गोल्ड होता है, 22 कैरेट और 18 कैरेट नहीं खरीदा जाता है, 24 कैरेट खरीदा जाता है। तो ये इसको मतलब सारा मेल्ट करके और ये बार्स बनाएंगे, ठीक है, बस इतना है। ये स्कीम नया नहीं है, 1979 में ही ये लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसमें जितना महान महान टेम्पल है, जैसे श्री मीनाक्षी सुंदेश्वरा टेम्पल मदुराई में, फिर ये जितना भी पालनी में और फिर तिरची में, ये सब जितना टेम्पल है सबको ये मेल्ट करके सब गोल्ड बार बना देंगे, क्लियर है। और अब आपको बता दें मद्रास के बारे में थोड़ा सा जानकारी। मद्रास जो है, जैसे जॉब चॉर्नॉक जो है वो कलकत्ता फाउंड किए थे गोविंदपुरा कालीकता और सुतीनाता को मिला के, तो उसी तरह एक महान आदमी थे जो कि मद्रास को फाउंड किए थे, उसका कमेंट सेक्शन में आप नाम बताएं, क्योंकि मैंने पहले भी हिस्ट्री में ये डिस्कस किया है। तो ये जो है बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 में जैसे बहुत सारा स्टेट बना वैसे ही मद्रास बना, उसके बाद इसका कैपिटल और सबसे बड़ा सिटी है चेन्नई। यहाँ पे टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। मद्रास से आंध्र प्रदेश अलग हुआ और लिंग्विस्टिक बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे पहली बार राज्य का विभाजन होने वाला पहला जो राज्य था वो मद्रास था, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अलग अलग, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश वाले लोग जो है वो तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु वाले लोग तमिल बोलते हैं, तो बोला गया कि तमिल लोगों को अलग कर दीजिए, तो इसलिए ये बना। और गवर्नर जो है वो RN रवि है, CM जो है वो MK स्टालिन है, वेरी गुड। चलिए अब है अगला सवाल, केरला आंसर नहीं है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है, हाँ नगड़ा स्टाइल नहीं है, यही तो बात है। देखिए इंडिया है, ठीक है, ऊपर में जब भी टेंपल बनेगा ना तो वो नगड़ा स्टाइल का बनेगा, नगर स्टाइल हिंदी में नगर स्टाइल, और साउथ में जब भी टेंपल बनेगा तो वो द्रविडियन स्टाइल का बनेगा, द्रविडियन, ठीक है। और विश्वसरैया जो है ये हो गया आपका बीच में, ये उतना ज्यादा फेमस नहीं है। द्रविडियन में क्या होता है, जैसे एक सेकंड, ये देखिए ये जो ऊपर में ऐसे टोपी है ना,
इसको हम लोग कहते हैं क्या, शिखर। फिर भगवान जी जिस जगह में रहेंगे, जो स्कैंडम होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं गर्भगृह। और ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे लोग ऐसे घूमते हैं, फिर शादी वगैरह होता है, मंदिर में पहले शादी बहुत होता था, तो उसको हम लोग कहते हैं मंडपा। और मंदिर का जो बॉर्डर होता है और उसके बाद जो एंट्रेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, बोलिए, गोपापुरम कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये उसका है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज। और द्रविड़ियन स्टाइल का मंदिर बनता है साउथ में, नगर जो है वो नॉर्थ इंडिया में बनता है। अब है मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है इंडिया में मंथली इकोनॉमिक रिव्यू? हाँ, 2014 में तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ ही है, लेकिन सबसे पहले मद्रास में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुआ था। द्रविड़ियन है, ठीक है। अगला सवाल आप लोग बताएं आंसर जल्दी से, हरी अप, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग स्पीड में आंसर बताएंगे ना, उतना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। और बहुत कम बच्चे स्पीड में आंसर बताते हैं। देखिए, इट इज नॉट अबाउट आंसर सही है कि गलत है, उतना मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैं बस देखती हूँ कि आंसर आ रहा है या नहीं। तो आप लोग को आंसर देते जाना है, जो भी आपको समझ में आता है आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो ये है फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्ट्री का है ये, निर्मला सीतारमन जो है वो फिनेंस मिनिस्टर है अभी। और ये हर महीने भारत का जो भी ग्रोथ रेट है उसको ऑब्जर्व करता है, इसको बस ध्यान रखिएगा। और ये 6 कंसेक्यूटिव मंथ इन फिस्कल ईयर, ये सब इतना ध्यान रखने का जरूरत है। देखिए, जितना भी डेटा है ना इकोनॉमिक्स का, ECR क्या है, SLR क्या है, मतलब रेपो रेट जितना दर है, या फिर कौन सा बोल रहा है कितना GDP ग्रोथ रेट होगा, वो सब अभी याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं, एक अंदाजा ले सकते हैं आप लोग। बाकी जब एग्जाम आएगा तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में एकदम याद करने वाला चार्ट बना देंगे, ठीक है। अब है कि हु हैज बीन appointed as ambassador of Russian film festival in India, ठीक है। तो कौन जो है वो रशिया जाएंगे, रशिया क्यों जाएंगे, रशिया इसलिए जाएंगे क्योंकि राजदूत के रूप में वो जाएंगे। किसके राजदूत के रूप में? भारतीय फिल्म महोत्सव, जो ये रशियन फिल्म महोत्सव जो हो रहा है, तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन है जो कि यहाँ पे एम्बेसडर के रूप में जाएंगे? इनका नाम है, नहीं बिल्कुल फरहान अख्तर नाम नहीं है, लेकिन आप लोग आंसर देते रहिए। कैलकुलेट कौन करेगा, इतने सारे जो अधिकारी हैं वही कैलकुलेट करेंगे। ये है इम्तियाज अली, ठीक है। इम्तियाज अली द बेस्ट मूवी वॉज जब वी मेट। तो ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है इम्तियाज अली, ये एम्बेसडर के रूप में जाएंगे रशियन फिल्म फेस्टिवल में इन इंडिया, ठीक है। ये रशियन फिल्म फेस्टिवल जो कि इन इंडिया हो रहा है, और ये होगा 10 नोटेबल रशियन फिल्म्स जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार, बहुत ज़्यादा महंगा इसका सब्सक्रिप्शन है, अक्टूबर 16 से नवंबर 27 को हो रहा है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और 200,000 व्यूअर्स यहाँ पे 14 कंट्रीज में ये रशियन फिल्म फेस्टिवल देखेंगे, क्लियर है। इम्तियाज अली आप लोग भी देख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम से इलीगल डाउनलोड, ऑनलाइन बोलने में ठीक नहीं होता है। नीति आयोग, नीति आयोग ने लॉन्च किया है हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये किसके साथ किया है कि प्लास्टिक वेस्ट का ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे, ये जो नीति आयोग है इसने ये किसके साथ स्टार्ट किया है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक और बात कि PDF के लिए आप लोग पूछते रहते हैं, ग्रुप है या नहीं है, टेलीग्राम है, वहां पे एक ग्रुप है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय, मेरा नाम है कीर्ति पांडे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बाय कीर्ति पांडे इस ग्रुप का नाम है, आप वहां पे ऐड हो सकते हैं, आपको तुरंत PDF मिल जाएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में तो आपको PDF मिल ही जाएगा, है ना। तो ये बताएं आप लोग, ये जो है ये किसके साथ पार्टिसिपेट किया है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नीति आयोग और UNDP दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाया है, नीति आयोग और UNDP हैंडबुक ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक मैनेजमेंट, यानी प्लास्टिक जो सबसे बड़ा समस्या है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ दीमक, दीमक जो कि सोसाइटी को खा रहा है, इन्वायरमेंट को खा रहा है, ऐसा नहीं है।
चीज जो कि इनकलकेट हैबिट हो जाता है, दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग कुछ दिन सोचते हैं कि अब जो है हम लोग नहीं लेंगे प्लास्टिक और यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद से ये भूल जाते हैं और जाके फिर से प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। तो खैर, दिस हैज बीन एन हैबिट। इसको खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा है। ये लोग भी बीच बीच में जग जाते हैं कि ठीक है इसको खत्म करना है। नीति आयोग और UNDP तो इसने साथ में साझेदारी की है। हाँ, CEO अमिताभ कांत है। और देखिये, UNDP के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। एडमिनिस्ट्रेटर हेड जो है अचीम स्टेनर है, और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका ये है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आता है UNDP। फॉर्मेशन हुआ है 22 नवंबर 1965 को। क्लियर है गाइस? तो ये है आपका UNDP। होपफुली आपको इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ता। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन बनाए आप लोग, MCQ बनाए, आंसर देख लिए, अब उसके बारे में मैडम थोड़ा सा डिटेल बता देती तो ठीक रहता, ताकि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड सवाल आ जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे फीडर पॉइंट्स देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो है अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान, ठीक है, PM रोजगार सृजन योजना के तहत विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन फाइनेंसिंग यूनिट्स। तो कौन सा जो आपका राज्य है वो पोषण इकाई में, ये पोषण इकाई में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, तो ये बताइए आप लोग। ये जो इम्प्लॉयमेंट देगा इसमें सबसे फिनेंसिंग यूनिट जो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम प्लान में, ये बताएं जल्दी से आंसर। इसका है आंसर उत्तर प्रदेश। ये सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ, आंसर उत्तर प्रदेश है। क्राइम में भी यही टॉप कर रहा है और इस तरह के स्कीम में भी यही टॉप कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश इज वेरी टैलेंटेड। मतलब वो होता है ना कि क्लास में सबसे बदमाश बच्चा, लेकिन फिर एग्जाम में टॉप आ गया, वही है उत्तर प्रदेश। तो ये दिस इज उत्तर प्रदेश, जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट इन इंडिया है। ये प्रधानमंत्री जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, वैसे यहीं पे होना चाहिए सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्योंकि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भी उत्तर प्रदेश में ही है। अब उत्तर प्रदेश जो है ये 24 जनवरी 1950 में बना था। कैपिटल लखनऊ है। सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। कानपुर अपने चमड़ा के उद्योग के कारण जाना जाता है, लेदर फैक्ट्री, और इसी के कारण गंगा नदी को एक गिफ्ट मिलता है जिसका नाम है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक गंगा नदी में बहुत ज्यादा जाता है। उसके बाद जो उसके नीचे वाले शहर होते हैं, यानी पता है खासकर बिहार में, तो वहां पे बहुत देर नदी में खड़ा होने के कारण लोगों को ब्लैक फुट डिजीज मिल जाता है। ठीक है, उनका जो फुट है, उनका जो पैर है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये एक तरह का बीमारी है, ये आर्सेनिक के कारण होता है। टोटल उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, इनके बारे में क्या ही बोलना है। CM योगी नाथ जो है इनके चीफ मिनिस्टर है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा। और जो फेमस नदियां हैं, बहुत सारी नदी है, गंगा है, यमुना है, घगड़ा है, गोमती है, तमस है, बेतवा है, शारदा है, राप्ती है, ये सब है। अच्छा, एक टॉन्स नदी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि टॉन्स नदी का उद्गम और खत्म, क्योंकि गंगा में मिल जाएगी, तो दोनों जो है वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। और फेमस लेक आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारा फेमस लेक है। फेमस डांस में यहाँ पे बहुत है ऐसे, तो नौटंकी, रसी, रासलीला, ये सब होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कथक। क्योंकि कथक क्या है, कथक जो साहित्य नाटक अकेडमी है, साहित्य नाटक अकेडमी, उसने 8 डांस को क्लासिकल डांस की उपाधि दी है, जिसमें से एक डांस जो है वो कथक भी है। यस, फेमस स्टेडियम आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारा स्टेडियम है। फेमस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क, उसके बाद चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसलिए जरूरी है क्योंकि जो टारगेट था कि टाइगर के पॉपुलेशन को इंटू टू करना है, वो पीलीभीत ने करके दिखाया। पीलीभीत है, नवाबगंज है, चंद्रपाड़ा है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बहुत सारा है। अच्छा, कुशीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बना था, और खासकर कुशीनगर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध जो है वो स्वर्ग चले गए थे यहीं से। और जो बनारस है उसके रेलवे, उसके एयरपोर्ट का नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। लखनऊ का है चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह जो है उनकी मृत्यु, अभी निधन भी हो गया इनका, तो चरण सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, बाद में जाके PM भी बन गए।
ये सब आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते वो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बैठ के सब याद करना है। अब आपको बताना है लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भारत का कंपनी है, नाम विदेशी है क्योंकि विदेशी लोगों ने शुरू किया था, इसका एडुटेक शुरू हो रहा है, ठीक है, अब ये भी पढ़ाएगा। तो इसका जो सीईओ है वो आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर यू आर लाइकिंग द क्लास, यू वॉन्ट कि मैम इसी तरह से और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत ज्यादा, तो प्लीज आप लोग शेयर करें, ज्यादा बच्चे आएंगे, ज्यादा आंसर मिलेगा। देखिए इट शुड बी द क्लास शुड बी लाइक कि क्वेश्चन आया, अभी तो मैं देख ही नहीं रही हूँ कि कौन बच्चे जो है वो सही आंसर बता रहे हैं या कौन से बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं। अभी व्हाट आई एम सीइंग द टारगेट इज कि बच्चे जो है आंसर दें, पहले रिस्पॉन्स करिए आप लोग, उसके बाद बताया जाएगा सही है कि गलत है। तो आप लोग प्लीज आंसर देते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा मजा आएगा। तो ये है आपका होमवर्क का सवाल, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डिफेंस के लिए एक्सक्लूसिव क्लास चलेगा आज 3 बजे, जिसका टॉपिक है नॉन लीथल वेपन्स। जो बच्चे जिनको नहीं पता है नॉन लीथल वेपन्स के बारे में, वो ये जान लीजिए कि जब चाइना वाले लोग जो हमला करते थे वो भाला से और कांटेदार तारों को में उसमें लपेट के, तो उस तरह का जो वेपन है वो नॉन लीथल है, यानी कि गलत है ये, तो उसी तरह से नॉन लीथल वेपन यहाँ पे बना है। 7 वेपन है जिसमें से त्रिशूल है, त्रिशूल सबको एक को पता है, वज्र प्रहार है, करंट वगैरह सब आएगा उससे, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा तो आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर द सेशन, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू।